सीएसआईआर नेट दिसंबर 2017 बुकलेट बी का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 6 एंड 8। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो मुझे मेरी बचपन की यादें ताज़ा कराते हैं और जो हमारे डेली लाइफ है ये कहीं ना कहीं उससे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन थे जिनके लिए हम लोग हमेशा रेडी रहते हैं। बहुत कुछ बातें तो ऐसी हैं जो लगती हैं कि एग्ज़ाम की वो एग्ज़ाम के हिसाब से हैं, लेकिन जब हम उन बातों से निकल करके अपनी ज़िंदगी में झांकते हैं कि वो सवाल क्या हैं और क्या ऐसे सवाल कुछ हमारी लाइफ में थे, तो तब हमें आंसर मिल जाते हैं कि वो आंसर्स आसान थे। जैसे कि ये है क्वेश्चन नंबर 1, ये कह रहा है कि जो लीफ है वो हरी दिखती है मुझे डे लाइट में, अगर मैं इस लीफ को देखूं रेड लाइट में तो मुझे क्या दिखाई देगी, क्या कलर होगा इसका। क्या याद है जब हम लोग बचपन में अपनी स्कूल लाइफ में थे तो सबसे जो फेवरेट टॉपिक था या सब्जेक्ट था हमारा ये वो था जिसके अंदर हम लोग आर्ट एंड क्राफ्ट की बात करते थे। 6th 7th क्लास के जो बच्चे होते हैं शायद तुम्हें अपना बचपन याद हो, और उस टाइम हम लोग सबसे जो फेवरेट काम हुआ करता था वो था कलर करना। मेरा तो एटलीस्ट यही था, वाटर कलर से कुछ ना कुछ पेंटिंग बनाना, पेड़ बनाना, पहाड़, याद है वो ट्रायंगुलर पहाड़ और सूरज और नदी। और उसी टाइम हम लोग कलर मिक्स भी किया करते थे, तो तुम्हें ये भी याद होगा फिर हमने कभी ना कभी तो जैसे कि वाइट और रेड को मिक्स किया था, या फिर ग्रीन और ब्लैक बनाने के लिए, याद नहीं ग्रीन ब्लैक का क्या रिलेशन था, जब हम लोग ग्रीन कलर और रेड कलर को आपस में मिक्स करते हैं तो नो डाउट जो हमें कलर निकल के आता है वो ब्लैक या उसके आसपास ही कुछ कहानी होती है, जैसे कि ग्रे हो सकता है या फिर वो ब्राउन हो सकता है। और यही कॉमन सी याद थी जो इस क्वेश्चन के लिए सॉल्व करनी थी, ब्लैक ब्राउन। जब हम लोग आई फ्लाई के लिए पढ़ रहे होते हैं तो कोशिश ये करते हैं कि क्लासरूम में या फिर हमारा पढ़ाई करते हुए हम लोग भूल जाएँ कि हम लोग एक पढ़ाई वाला काम कर रहे हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि जो भी कुछ हमारी पढ़ाई है उसको अपने डेली लाइफ से कोरिलेट करने की, और मेरी पूरी इच्छा ये रहती है कि हम लोग पढ़ाई से बाहर निकाल दें दिमाग को और ये दिमाग हमारा एक नॉर्मल एक्टिविटी की तरह हो। मतलब जैसे हम लोग सीरियल्स देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, तो हम लोगों का विचार आई फ्लाई के अंदर यही है कि सभी स्टूडेंट्स को हम लोग पढ़ाई को भी उसी फ्रेम के अंदर ले आएँ। अगर मेरा माइंड सेट ये बोल रहा है कि मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं बल्कि कुछ जर्नल जैसे कि सीरियल्स थे या फिर जैसे कि क्रिकेट खेलना था कुछ ऐसा काम कर रहा हूँ, तो वो चीज़ हमारे लिए कम्फर्टेबल हो जाती है, फिर यादें अच्छी रहती हैं। इसलिए यहाँ हम लोग शॉर्ट, एक्यूरेट, फास्ट और एफिशिएंट तरीके से सिखाते हैं कि कैसे हम लोग अपनी पढ़ाई को कंफर्टेबल बना सकें, और जब पढ़ाई कंफर्टेबल हो जाएगी तो बट ऑब्वियसली उसमें से कुछ भी इन्फॉर्मेशन को रिकॉल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अभी सवाल पूछूं, याद है पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, ये किसने कहा था और उसने क्या शर्ट पहन रखी थी, शर्ट के कॉलर कैसे थे, उसकी पैंट कैसी थी, कुछ याद है? बट अगर एग्जैक्टली यही सारा का सारा डाटा तुम्हें कोई पढ़ा रहा होता कि भाई ये एक सिलेबस है, ये एक किताब है और एग्जाम में आना है, क्या तब हमें इतनी आसानी से याद रहता? ये हमारी साइकोलॉजी है। जब हम लोग चीज़ों को आसान करना शुरू कर देते हैं और पढ़ाई को हम लोग ऐसे लेना शुरू कर देते हैं कि वो बोझ नहीं है, तो सब चीज़ें आराम से हमें याद रहती हैं। यही काम है आई फ्लाई का आपके साथ। भैंस देख करके यार अपने गाँव की याद आती है, और एक सवाल इसमें ऐसा भी आया जो कहीं ना कहीं गांव को याद दिला रहा था, मुझे एटलीस्ट, मेरी अपनी यादें हैं। क्वेश्चन है, जब रमेश की उम्र 8 साल की थी, तुम्हारी उम्र 8 साल की थी जब, ये सोच लो, तब उसने एक पेड़ के अंदर ट्रंक में एक कील ठोक दी। तो जी उसने पेड़ के अंदर जो कील ठोकी है वो ट्रंक में किस जगह ठोकी है, उसने कहीं भी ठोकी हो। अब जो ट्री है वो ग्रो कर रहा है 2 सेंटीमीटर पर ईयर, तो 5 साल बाद ये कील कितना ऊँचाई मिलने वाली है? एक तो देखो ये क्वेश्चन कई साल बाद वापस रिपीट हुआ है नेट के अंदर, और जब पेड़ बढ़ते हैं तो पेड़ की हाइट ऊपर बढ़ती है और चौड़ाई में बढ़ती है, जो तना होता है तना कभी इंक्रीज नहीं करता, तो इसलिए जो जहाँ भी उसने मार्क किया है, जिस भी जगह मार्क किया है, वो मार्क वहीं रहने वाला है, पेड़ के ट्रंक की हाइट नहीं बढ़ने वाली। मैं गाँव से इसलिए रिलेट कर रहा था कि गाँव में जब हम लोग जाया करते थे तो वहाँ काफ़ी सारे पेड़ थे, जो आम के पेड़ थे वहाँ हमारा बचपन गुजरा है। मुझे नहीं पता कि आप सबके साथ ऐसा कुछ हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि हम लोग गर्मियों के दिनों में जब छुट्टियाँ होती थी तो लाइट की बड़ी समस्या होती थी, और तब हम लोग बाग में जाया करते थे, पेड़ों पर चढ़ा करते थे, और पेड़ हमें वो अच्छा लगते थे जिन पर चढ़ना आसान हो, जिनके तनों की ऊँचाई ऐसी हो कि हम लोग उन पर पैर रख के आराम से चढ़ सकें। और मुझे अच्छी तरह याद है कि हम बार बार जब भी आते थे हमेशा वही पेड़ मेरा फेवरेट था जिसके ऊपर चढ़ना आसान था। अब याद आता है कि उसका तने की हाइट कभी बड़ी नहीं, अगर उसके तने की हाइट भी मेरे साथ बढ़ती रहती तो नो डाउट आगे चले कॉम्प्लिकेशन होती, आज वो इतना ऊंचा हो चुका होता तना कि मैं उसको टच भी नहीं कर पाता। लेकिन जो पेड़ आज भी अवेलेबल हैं वो उनके तने वहीं के वहीं हैं जहाँ थे, क्योंकि पेड़ों के जो तनों की हाइट है नीचे से बेस से वो ऊँची नहीं उठती, वो केवल चौड़ाई में बढ़ती है। और इसी लॉजिक की वजह से और इसी याद को ताज़ा करके ये क्वेश्चन को सॉल्व करना था। हर एक के साथ कुछ ना कुछ ऐसी यादें होती हैं। अब इसी को ले लो,
मुझे लगता है कि बहुत साल बाद हमारे पास एक अच्छे प्राइम मिनिस्टर हैं। और जब हम लोग अभी वोटिंग को देख रहे थे तो सभी न्यूज़ चैनल पे हमें डिफरेंट तरह के ग्राफ दिखाए जा रहे थे, परसेंटेज दिखाई जा रही थी। ये है जो मेरी डेली लाइफ है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसी डेली लाइफ से है। क्वेश्चन नंबर 8, द बार चार्ट शोन अबव नंबर ऑफ सीट्स वोन बाय द फोर पॉलिटिकल पार्टी। चार पॉलिटिकल पार्टी हैं, ए बी सी डी। अब इसमें प्रपोर्शन पूछ रखा है, याद रखना विच पार्टी वोन द लार्जेस्ट प्रपोर्शन। प्रपोर्शन का मतलब क्या हुआ, उन्होंने जो भी सीट्स कॉन्टेस्ट की, कितनी सीट उन्होंने लड़ी हैं और उनमें से कितना वो जीत पाए। अब जैसे ये पार्टी जो है, ये ए पार्टी, ये 150 के आसपास सीट लड़ी है और 150 में से जो उसने जीती हैं वो जीती हैं लगभग 100 के आसपास। तो एक्चुअली में जो उसने वॉन की हैं वो हैं 100/66% बोल दीजिए, 66%। जो पार्टी बी है उसने 70 के आसपास किया है और 70 में से उसने जो जीती हैं वो कुल मिलाकर के 50 जीती हैं। तो इन्होंने जीती हैं 50, पार्टी बी। पार्टी बी ने अराउंड 70 के आसपास सीट्स उसने कॉन्टेस्ट किए हैं और 70 में से उसने 60 विन किए हैं। तो जो इन्होंने विन किया है वो है 60/70, नियरली 89% के आसपास या 88%। सी, इन्होंने कॉन्टेस्ट किया है 100 और जीते हैं 70 के आसपास, तो ये 70% के आसपास है। और डी, इन्होंने 40 सीट्स फाइट की हैं और ये 50% सीट जीती हैं। तो बट वैसे यहाँ लार्जेस्ट प्रपोर्शन किसने वॉन किया है, क्योंकि बी ने लगभग 88% के आसपास सीट्स विन की हैं। तो ये ग्राफ एक ऐसा था, ये ग्राफ कंफर्टेबल होना चाहिए था, क्योंकि इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी की बात की, इन्होंने चुनाव की बात की। और ये अभी तो हम लोग न्यूज़ चैनल वालों ने हमें सिखाया है, इतने दिन से हमें सिखा रहे हैं वो, जैसे कि क्या है, कैसे हम लोग नंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। न्यूज़ चैनल वालों का हमें धन्यवाद देना चाहिए, उन्होंने ग्राफ पढ़ने सिखा दिए हमें बहुत सारे, पाई ग्राफ, बार ग्राफ्स। और इन्हीं ग्राफ को देख देख करके अब ये क्वेश्चन भी तो कंफर्टेबल है। काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं नेट के अंदर जो कहीं ना कहीं हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड हैं, और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमें हेल्प करते हैं कि हम लोग कैसे प्रिपेयर करें। इंडीड आई फ्लाई के अंदर हम लोग कोशिश ये करते हैं कि आपको स्काइप और व्हाट्सएप क्लासेस के थ्रू समझा सकें कि चीज़ों को आसान कैसे बनाया जाता है। ये टाइम अप्रोप्रिएट टाइम है क्लास को ज्वाइन करने का। हम लोग बहुत जल्दी नेक्स्ट बच्चे शुरू कर रहे हैं, कुछ बच्चे शुरू हो भी चुके हैं। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं 9013902981 पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और अपनी इंक्वायरी कर सकते हैं। हम लोग आपके साथ हमेशा अवेलेबल हैं, आपकी हेल्प करने के लिए और आपकी क्वारी को सॉल्व करने के लिए। वीडियोज़ को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।